कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 हम इसका 14वां प्रश्न करने जा रहे हैं। आइए इस प्रश्न को सुनते हैं। 12 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो जब भी एक ताश की गड्डी आती है तो शुरू में वह नंबर वाइज लगी होती है, हर रंग के 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से। जब उसको इस प्रकार से हम शफल कर लेते हैं, इसको कहते हैं फेंटी, ठीक है। एंड इसके बाद उन पत्तों में से एक पत्ता रैंडम निकाला जाता है बिना देखे, तो हमें बताना है कि क्या प्रायिकता है कि वह एक सबसे पहले लाल रंग का बादशाह होगा। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हमने ताश की गड्डी को थोड़ा सा क्लासिफाई किया। देखिए तो लाल रंग का बादशाह, एक पान का हार्ट्स का बादशाह होगा और एक ईंट का डायमंड का बादशाह होगा। तो लाल रंग के दो बादशाह, ताश की पूरी गड्डी में लाल रंग के दो बादशाह होंगे। तो आइए देखते हैं इसकी जो प्रायिकता है, मैं इसको P लिख रहा हूँ। वैसे आप प्रायिकता भी लिख सकते हैं, मैं इसको P लिख रहा हूँ। तो इसकी जो प्रायिकता, लाल रंग का बादशाह निकालने की प्रायिकता, टोटल पत्ते हैं 52 और इसमें लाल रंग के बादशाह यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? दो। तो ये आ गया 2/52। यदि हम इसको 2 के पहले में काट दें तो 2 एकम 2, 26 गुनी 52, तो ये आ गया 1/26। इसका मतलब ताश की एक गड्डी में से लाल रंग के बादशाह के आने की जो प्रायिकता होगी वह होगी 1/26। आइए हम इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग है एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पता। तो आइए अब हम वापिस ताश की डिस्क्रिप्शन पर आते हैं। तो देखिए इसमें तस्वीर वाले पान में भी 3 पत्ते होंगे K, Q and J। इसी प्रकार से डायमंड में भी 3 होंगे K, Q, J, चिड़िया में भी K, Q, J और हुक्म में भी K, Q, J। यानी 3 पत्ते ये, 3 ये, 3 ये और 3 ये, 3 × 12। इसका मतलब एक ताश की गड्डी में कुल जो फेस कार्ड है वो कितने हैं? 12। तो एक फेस कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता निकलने की जो प्रायिकता होगी वो कितनी होगी? कुल पत्ते हैं 52, वो आ जाएगा नीचे और 12 हम लिखेंगे ऊपर। और यदि हम इसको काटें तो ये 4 के पहाड़े में कट जाएगा, 4 × 12 और 13 × 52। तो इसकी जो प्रायिकता आ जाएगी वह आ जाएगी 3/13। आइए अब हम इसका तीसरा भाग करते हैं। तीसरा भाग है लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो देखिए फिर से ये तस्वीर वाले पत्तों पर आते हैं। ये भी लाल रंग के हैं, ये भी लाल रंग के हैं। देखिए यानी कि पान के 3 पत्ते और ईंट के 3 पत्ते जो कि फेस कार्ड हैं, पिक्चर कार्ड हैं। तो 3 और 3 कुल कितने भाग हो गए? 6 पत्ते हो गए लाल रंग के तस्वीर पर। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 52। कुल पत्ते जो कि ताश के गड्डी में होते हैं 52। ये आ गया 6/52। इसको 2 के पहाड़े में हम काट देते हैं, 2 × 6 और 26 × 52। तो ये जो हमारे पास प्रायिकता आएगी ये आ जाएगी 3/26, ठीक है। तो एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता उसकी जो प्रायिकता हो गई वह होगी 3/26। आइए हम आगे देखते हैं। पान का गुलाम, लाल रंग में पान, पान में गुलाम, गुलाम कितना होगा? एक। वैसे तो ताश की गड्डी में 4 गुलाम होते हैं, एक ईंट का, एक पान का, एक चिड़िया का, एक हुक्म का। लेकिन हमसे पूछा गया पान का गुलाम, तो पूरी ताश की गड्डी यानी 52 पत्तों में एक ही पान का गुलाम होगा। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी वह हो जाएगी ऊपर 1 और नीचे है 52। तो यही इसकी प्रायिकता है 1/52। आगे है हुक्म का पत्ता। आइए अब हम यहाँ दोबारा आते हैं। 52 पत्तों में, काले पत्तों में हुक्म के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। हुक्म के कितने? 13। हर रंग के 13-13 पत्ते ही होते हैं, पान के भी 13, ईंट के भी 13, हुक्म के भी 13 और चिड़िया के भी 13। तो हुक्म के कुल पत्ते कितने हैं? 13। तो क्या प्रायिकता है कि जब हम एक ताश को अच्छे से फेंट लेंगे उसमें से एक पत्ता निकालेंगे तो वह हुक्म का होगा? देखिए कुल पत्ते हैं 52 और हुक्म के पत्ते यानी फेवरेबल आउटकम्स हैं 13। तो इनकी जो प्रायिकता होगी वह होगी 13/52। इसको यदि हम काटना चाहें तो 13 के पहाड़े में 13 एकम 13 और 13 × 52। इसका मतलब इसकी प्रायिकता आगी 1/4, ठीक है, 1/4। आगे है
एक ईंट की बेगम। अब हमें इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो बच्चों ईंट की एक ही बेगम यानी क्वीन, एक ही क्वीन होगी ईंट की ताश की एक गड्डी में, ठीक है। तो कुल पत्ते हैं 52 आएगा नीचे, ईंट की केवल एक ही बेगम होती है, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वह होगी 1/52। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जो भी हमसे पूछा गया था उनकी प्रायिकताएं हमने निकाली।